सर, पुलिस लाइन हिलेड़ा में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, किस विषय पे यह आयोजन है और कहां कहां से इसमें टीमों ने यहां पे अपना प्रतियोगिता दिखाई है? जैसे कि आपको मालूम है, पुलिस स्मृति दिवस पूरे देश भर में उन शहीद पुलिस कर्मियों के याद में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिन्होंने पिछले साल अपना ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई। 6 पुलिसकर्मी इस तरह के हिमाचल से भी थे, उनकी याद में जो है हम हर वर्ष पुलिस कमेमोरेशन डे के उपलक्ष्य पे अलग अलग स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट करवाते हैं। उसी तरह इस साल भी हम कबड्डी, क्रिकेट और बास्केटबॉल के टूर्नामेंट जो है पुलिस लाइन झलेड़ा में जो हमारा ग्राउंड है वहाँ, और बनगढ़ जो पुलिस ग्राउंड है हमारा बटालियन का, वहाँ पर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज कबड्डी के टूर्नामेंट से हमने शुरुआत की। मेरे साथ इंडिया टीम के कैप्टन और हमारे यहाँ पे डीएसपी हेडक्वार्टर अजय ठाकुर जी भी हैं हमारे साथ, और आज यहाँ जो हमारी टीम्स आई हैं उनका 12 टीम जो है हमारी आई हैं पूरे हिमाचल भर से। इसमें गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे कबड्डी जैसे स्पोर्ट को प्रोत्साहन देना ताकि फिजिकल फिटनेस पर लोग ध्यान दें, नशा और इस तरह की प्रवृत्ति जो धीरे धीरे बढ़ रही है उससे दूर रहें, उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से भी हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट। हमारा एक एग्जीबिशन मैच भी यहाँ पे महिलाओं का हुआ जिसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चियाँ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो है टूर्नामेंट हुआ है। इसमें से कई बच्चियाँ जो है हिमाचल को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और जो हमारा मेल स्पोर्ट्स पर्सन हैं कबड्डी के प्लेयर्स वो उनका भी स्तर बहुत अच्छा है। मैं आपके दर्शकों को भी प्रोत्साहित करूंगा कि आप यहां आएं और बढ़ चढ़ के इस स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लें। धन्यवाद।